where Congress's prime ministerial face Rahul Gandhi is speaking. अगर गरीबों की सचमुच मदद करनी है तो तीन और चीजों की जरूरत है, आपने हमें बताया। पहली चीज आपने कहा कि देखिए अमीर व्यक्ति अस्पताल जाता है, दिल का ऑपरेशन की जरूरत होती है, किसी को कैंसर हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, वो जाता है, लाल कालीन लग जाती है, जादू से अस्पताल के दरवाजे खुल जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल होता है, एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल होता है, जादू से दरवाजे खुल जाते हैं, इलाज हो जाता है। गरीब महिला बीमार होती है, उसका बच्चा बीमार होता है, अस्पताल के दरवाजे बंद मिलते हैं, पैसा नहीं है, अस्पताल के दरवाजे बंद मिलते हैं। आपने कहा कि देखिए गारंटी करके कानून बनाइए कि हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में हिंदुस्तान में दवाई मिले, हर एक व्यक्ति को, जब किसान का बेटा बीमार हो, मजदूर का बेटा बीमार हो, उसको भी लगे कि इस देश में मेरा भी इलाज हो सकता है, अस्पताल के दरवाजे उसके लिए भी खुले। ये जो महिलाएं बैठी है पीछे, इनको भी लगे कि जब हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो अस्पताल के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। मजदूर काम करता है, तीन चार दिन काम करता है, चौथे दिन बीमार हो जाता है, जितना पैसा वो तीन दिन में बनाता है उतना पैसा एक पट्टी दवाई में डूब जाता है, गायब हो जाता है। आपने कहा मुफ्त में दवाई दो सबको, आपने कहा कि अस्पतालों के दरवाजे खोलो और गरीब जनता के लिए भी एक लाल कालीन लगाओ और उनके लिए इलाज शुरू करवाओ, आपने ये कहा है, हम इसको करके दिखाएंगे। आप जैसे हमने मनरेगा दिया, जैसे हमने भोजन का अधिकार दिया, हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई और अस्पताल में इलाज देंगे। दूसरी बात आपने कही कि देखिए राहुल जी छत्तीसगढ़ में गरीब लोग, शहरों में गरीब लोग हैं, गांव में गरीब लोग हैं, आजकल इंदिरा आवास आता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है,